हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में हम लोग स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी को कवर करेंगे किस तरीके से इसका इम्पोर्टेंस है आज की डेट में क्या ये रोल प्ले करता है जियो में क्या इसके इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म से किस तरीके से इन्होंने मैकिडर का हार्टलैंड थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हुए अपनी रिमलैंड थ्योरी दी थी इन सभी बातों को हम लोग इन डिटेल इस वीडियो में जानेंगे सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट विद द वीडियो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कौन थे आपके स्पाइकमैन किस तरीके से इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया मैकिडर की थ्योरी को द रिमलैंड थ्योरी आर्ग्यूज़ दैट द कंट्रोल ऑफ़ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड स्ट्रेटजिक लोकेशनज़ कैन बी अचीव बाई कंट्रोलिंग द रिमलैंड आपने अगर इससे पहले मैंकिडर की हार्टलैंड थ्योरी देखी है तभी आप उसको इन कॉन्टिन्यूएशन आपको ये जो रिमलैंड थ्योरी है वो समझ में आएगी अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा जो हार्टलैंड की थ्योरी दी थी मैकिंडर ने उसी के नीचे का जो एरिया जो आपका इनर क्रेसेंट वाला एरिया था हार्टलैंड की थ्योरी में उसी को इन्होंने रिमलैंड है और इन्होंने हार्टलैंड को इम्पोर्टेंट ना मानते हुए रिमलैंड को इम्पोर्टेंट माना है और कहा है कि जो रिमलैंड पर रूल करेगा वही आपका पूरे वर्ल्ड को भी कमांड करेगा देखते हैं कैसे सबसे पहले हम लोग क्रिटिसिज्म ऑफ मैकंडर हार्टलैंड से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहीं से इनकी रिमलैंड थ्योरी का स्टार्ट भी होता है इन्होंने क्या बोला है कि ही क्रिटिसाइज मैकिंडर फॉर ओवर रेटिंग द हार्टलैंड एज बींग ऑफ इमेंस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये हार्टलैंड को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते क्योंकि इन ये कुछ चीज़ें बताते जो कि लॉजिकली भी सही है कि जो हार्टलैंड वाला एरिया है जो रशिया का जो एरिया है या फिर आपका जो ईस्ट यूरो जो पार्ट से वो एक तरीके से एग्रीरियन सोसाइटी थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर नहीं था उतना डेवलपमेंट नहीं था इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो वो बहुत ही आप कह सकते इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कोई रीज़न नहीं था क्योंकि इन्होंने जो मैकिंडर थे इन्होंने इसको इसलिए इम्पोर्टेंट बताया क्योंकि यहाँ पर इस पर कब्ज़ा करना या इन्वेजन करना मुश्किल था ऊपर आपका कोल्ड रीजन्स थे नीचे माउंटेंस थे साउथ में तो इस वजह से उन्होंने इसे इंपॉर्टेंट बताया लेकिन स्पाइकमैन जो है वो कहते हैं कि यार ये जगह जो है वो जियोग्राफिकली बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं लो पॉपुलेशन है लोग यहाँ पर कोई रहते नहीं है और बहुत ही इन यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुए ही नहीं है तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है ही नहीं और यहीं से इनका रिमलैंड की थ्योरी आती है ये कहते हैं कि अगर हार्टलैंड नहीं इंपॉर्टेंट है तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है वो है आपका रिमलैंड यहां पर हमने यहां पर मैप की मदद से दिखाया हुआ है आपका जो हार्टलैंड वाला पार्ट था इसको ये क्या कहते हैं कि ये बहुत ही पुराना या आप कह सकते हैं एग्रेरियन टाइप ऑफ सोसाइटी है यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं, नहीं है ज़्यादा रिसोसेज नहीं है कम्पेरिटिवली जो आपका रिमलैंड वाला पार्ट है यानी ये जो बेल्ट है यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है ज़्यादा रिसोर्स है और स्ट्रेटजिकली भी ये जो लोकेशन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंपेयर टू हार्ट लैंड ये क्या कहते हैं कि द रिमलैंड द स्ट्रिप ऑफ कोस्टल लैंड दैट इन सर्कल्स यूरेशिया इज मोर इंपॉर्टेंट दैन सेंट्रल एशियन जोन द सो सोक हार्टलैंड ये सो सोकॉल्ड हार्टलैंड को बिल्कुल ही अन मानते हैं और अपना जो रिमलैंड है उसे इंपॉर्टेंट मानते हुए ए, जैसे आपका हार्ट लैंड के लिए मैकिंडर ने तीन लाइन्स दी थी वैसे ही स्पाइकमैन भी उसी तरीके से कहते हैं हु कंट्रोल्स द रिमलैंड रूल्स यूरेशिया हु रूल्स यूरेशिया कंट्रोल्स द डेस्टिनीज ऑफ वर्ल्ड तो इनके लिए जो आपका इनर क्रिसेंट वाला है देखिए आप जो हार्टलैंड के मैप पे जो इनर क्रिसेंट वाला पार्ट था वही इन्होंने क्या बना दिया है यहाँ पर रिमलैंड बना दिया है तो इनके हिसाब से रिमलैंड की जो कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब देखिए जो रिमलैंड है उसके तीन सेक्शन से इन्होंने किए एक यूरोपियन कोस्ट एक अरेबियन मिडिल ईस्टर्न डिजर्ट और एक एशियटिक मानसून लैंड ये आपको बस याद रखना है इसमें इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ है वो कौन सी है आपकी एशिया माइनर का एरिया है अरेबिया ईरान अफगानिस्तान साउथ ईस्ट एशिया चाइना कोरिया और ईस्ट साइबेरिया या लेकिन रशिया को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है अब देखते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ फिनलैंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है देखो स्पाइकमैन बहुत सारे रीज़न्स देते हैं क्योंकि इसमें यूरोप मिडिल ईस्ट साउथ एशिया ईस्ट एशिया ये चार की रीजन्स है इस वजह से एक तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है फिर एक्सेस टू सी है हार्टलैंड जो था वहाँ पर सी पावर्स का आना या फिर सी का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था लेकिन रिमलैंड क्या है रिमलैंड के पास एक्सेस टू दी है उसमें आपका जो भी वर्ल्ड ओशियंस है या फिर, फिर जो भी आपकी नेवल पावर है वो इन कंट्रीज़ की बहुत ही अच्छी है इंडिया की आप बात कर ले तो इंडिया में भी इंडियन ओशन से गिरा हुआ है अरेबियन सी है बे ऑफ बंगाल है तो आसपास में इंडिया की जो नेवी है उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा तो इंडिया एक पावरफुल नेशन की तरह आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जियो में एक्सेस टू रिसोर्सेज अगेन ये कहते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक बहुत अच्छी रिसोर्सेज पाई जाती है इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है फिर जियो सिग्निफिकेंस है इसका बफर जोन है बफर जोन का क्या मतलब है कि इट प्रोवाइड्स बफर जोन बिटवीन हार्टलैंड एंड द वर्ल्ड ओशियंस अ स्टेट डेट कंट्रोल्स द रिमलैंड लैंड कैन प्रिवेंट अराइवल स्टेट फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू द हार्टलैंड। जिसका भी कंट्रोल आपका रिमलैंड पर होगा क्योंकि हमें हमने इसे मैप की मदद से समझा था तो हम वहीं पर देखेंगे अगर रिम पर कंट्रोल है तो हार्ट तक किसी भी दूसरी पावर का पहुँचना मुश्किल हो जाएगा जिस पावर का रिमलैंड पर कंट्रोल है उसी का एक ना एक तरीके से हार्ट पर भी कंट्रोल होगा ही इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेजेंट डे रेलिवेंस ऑफ द थ्योरी आज के टाइम पर ये थ्योरी किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो आज के टाइम पर भी आपका ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत से कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं इनस्टेबिलिटी तरह की है सीरिया का वॉर चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में वॉर चल रहा है आपका साउथ चाइना सी में कुछ ना कुछ वॉर चल रहा है तो मतलब क्या है कि आज के टाइम पे भी यहाँ पर कुछ जो कंट्रीज़ है वो अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है तो यहाँ पर एक तरीके का ग्रेट पावर कंपटीशन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाई जा रही है आपके अनमैंड एरियल व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ की जो ओवरऑल जो इलाके की जियो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज़ हो रहे हैं साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज का तो इम्पैक्ट पड़ता ही है यहाँ पर कई बार हार्श कंडीशनस होती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वार्स उदा है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है तो ओवरऑल ये जो एरिया है ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है अगर किसी को अपना जो वर्ल्ड पर कब्जा करना है या फिर वर्ल्ड पर अपनी एक इन्फ्लुएंस रखनी है तो उसे कहीं ना कहीं इन सारी कंट्रीज पर अपना एक इन्फ्लुएंस लाना पड़ेगा यही चीज अमेरिका भी कर रहा है जैसे उसने बहुत सारा अपना जो मिलिट्री अलाइंसिस की मदद से जैसे नेटो है या ये सारी जो चीज़ें इसकी मदद से वो क्या करता है कि कहीं ना कहीं ये जो एशिया वाला पार्टी या जो ये रिमलैंड वाला पार्ट है वहाँ पर अमेरिका या दूसरी जो पावर्स है वो कहीं ना कहीं ये अपना एक तरीके से स्टेब्लिशमेंट करना चाहती है अपना पावर राइज करना चाहती है सेम गोज विथ चाइना राइज ऑफ चाइना जो हमने हार्डलैंड थ्योरी में पढ़ा था सेम यहाँ पर भी आएगा चाइना हो गया या जापान हो गया ये लोग अपना इन्फ्लुएंस इन एरियाज में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस हो इनकी और साथ ही साथ ये डोमिनेट कर पाए पूरे वर्ल्ड पर अब हम लोग कुछ क्रिटिसिजम्स देखेंगे अगेन ये जो थ्योरी है ये भी एक यूरोसेंट्रिक एक थ्योरी है नॉन यूरोपियंस को उतना ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया बहुत ही सिंपल इन्होंने अप्रोच रखी है ज़्यादा हिस्टोरिकल या फिर रीजनल या इकोनॉमिक कल्चरल क्या चेंजेस है क्या इनके फैक्टर्स है इस एरिया में किस तरीके से इकोनॉमी चलती है क्या रिलीजन कौन सा फॉलो होता है इन सब चीज़ों पर इन्होंने कोई बात नहीं करी है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अगेन इसकी ज्योग्राफी को ही लेकर के बात करी है इन्होंने हार्टलैंड की इंपॉर्टेंस को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया जबकि ऐसा नहीं है हार्टलैंड भी आज के टाइम पर इस्ट्रेट स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है अंडर एस्टिमेट्स द रोल ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को कुछ मानते ही नहीं है बहुत ज़्यादा इन्होंने इंटरनेशनलिज्म कर दिया है सब चीज़ों में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स को ही इन्वॉल्व करते हैं और ये एक जो मॉडल है ये बहुत ही आउटडेटेड मॉडल हो चुका है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिमलैंड थ्योरी अगर आपको कोई डाउट डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते इस हैं इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग